जब भी कई शेरों का जिक्र होता है तो दुनिया वाले एशियाई और अफ्रीकी शेर का ही नाम लेते हैं। दुनिया में यही शेरों की प्रमुख और खतरनाक प्रजातियां हैं। आज हम दुनिया में पाए जाने वाले खतरनाक शेरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में शेरों की कई प्रजातियां पाई जाती है। कोई प्रजाति खतरनाक होती है तो कोई अपने रंग और आकार को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है। एशियाटिक लायन, एशिया मादी में पाए जाने वाला ये शेर पेंट्रा के नाम से भी जाना जाता है। एशिया में ये शेर भारत के गुजरात राज्य के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इन शेरों का हमला करने का तरीका ऐसा है, यानी कि शिकार को भनक भी नहीं लगती कि हमला होने वाला है। ये शेर शिकार करने में सबसे चतुर माने जाते हैं। इन शेरों का रंग सुर्ख तानवी से लेकर काले रंग के गहरे धब्बे के साथ रेतीले या भूरे रंग के होते हैं। इन शेरों के कान हमेशा चौड़े दिखाई देते हैं। ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इन शेर का वजन लगभग 160 किलोग्राम के आसपास होता है। ये शेर लंबाई की बात करें तो 6 फीट के आसपास होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शेर माने जाते हैं। बाबरी लायन, दोस्तों अब हम जिस शेर की बात करने वाले हैं, इस शेरों की प्रजातियों में सबसे खतरनाक और खूंखार शेर है, जिसे दुनिया बब्बर शेर के नाम से भी जानती है। इनका आकार और इनका रूप भी डरावना लगता है। बब्बर शेर का वजन औसत 270 से 300 किलोग्राम के आसपास होता है। इनके सिर पर लंबे और घने बाल होते हैं। इस शेर की दहाड़ 6 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ये शेर उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत के गुजरात के गिर नेशनल पार्क में भी आपको बब्बर शेर देखने को मिल जाएंगे। इस शेर की लंबाई 8 से 9 फीट के आसपास होती है और ये शेर अफ्रीका का सबसे खतरनाक और ताकतवर शेर माना जाता है। कांगो लायन, कांगो शेर को युगांडा शेर के नाम से भी जानते हैं, जो सेंट्रल यानी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ये शेरों की एक उप प्रजाति है जो हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं। इस शेर का सिर बड़ा और चौड़ा होता है। इस शेरों की नाक काले रंग की होती है और इनकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, जो सिर पर काले बालों का गुच्छा होता है। ये शेर शिकार करने से पहले रणनीति बनाते हैं और ये शेर अधिकांश समूह में रहना ही काफ़ी पसंद करते हैं। एक कांगो जंगल के किंग भी कहलाते हैं। इन शेरों की औसत उम्र की बात करें तो ये शेर 15 से 18 वर्ष तक ही इस धरती पर जी पाते हैं। ईस्ट अफ्रीकन शेर, अफ्रीकी शेरों को साहस और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि दुनिया के 80% शेर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ये शेर अफ्रीका के तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क, केन्या का मसाई मारा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये शेर भूरे रंग के होते हैं। ये लंबाई में ज़्यादा व ऊंचाई में कम होते हैं। ये शेर अकेले रहना ही काफ़ी पसंद करते हैं। इस शेर को पूर्वी अफ्रीका का किंग भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि दुनिया के सबसे वजनदार शेर होते हैं। इन शेरों की अगर हम भोजन की बात करें तो इनका वजन औसतन 400 किलोग्राम के आसपास होता है। कटगा लायन, ये शेर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के इलाकों नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस शेरों की गर्दन पर सुनहरे और लंबे चमकदार बाल होते हैं। इस शेर का वजन औसत 375 किलोग्राम और लंबाई 10 फीट के आसपास होती है। कहते हैं कि यह शेर किसी भी दूसरे जानवर का किया हुआ शिकार नहीं खाता और ये शेर झुंड में रहना ही काफी पसंद भी करते हैं। और ये पश्चिम अफ्रीका का सबसे खतरनाक और खूंखार शेर माना जाता है। साउथ अफ्रीकी शेर, ये शेर बाकी शेरों से अलग होते हैं, क्योंकि इन शेरों का रंग भूरा या रेतीला नहीं
बल्कि सफेद होता है। यह सफेद रंगों की इकलौती शेरों की प्रजाति है जिसे ट्रांसवाल लोयन के नाम से भी जानते हैं। यह ट्रांसवाल क्षेत्र वाल नदी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित है, जहाँ सफेद शेरों की तादाद पाई जाती है। इनके पूरे शरीर पर घने सफेद बाल होते हैं। इन शेरों की लंबाई की बात करें तो ये शेर 7 से 9 फीट लंबे और 3 से 4 फीट ऊंचे होते हैं। सबसे भारी सफेद शेर ट्रांसवाल क्षेत्र में ही देखा गया था, जिसका वजन 700 किलोग्राम के आसपास था। ये शेर 3 साल में ही युवावस्था में हो जाते हैं। अगर इन शेरों की उम्र की बात करें तो इनकी 15 साल औसत उम्र होती है। इन शेरों के प्रमुख शिकार में जिराफ, इम्पाला, जंगली भैंस होते हैं। इन शेरों को सबसे आलसी शेर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शेर अधिकांश समय अपना सोने में बिताते हैं। कैप लॉयन, ये शेर आज बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि शेर अफ्रीका के मैदानी इलाकों में रहता था। इस शेर को सन 1970 के बाद नहीं देखा गया। ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक अफ्रीकी शेर था। तो दोस्तों, यह है दुनिया की खतरनाक शेरों की प्रजातियां। अगर इन प्रजातियों में बात करें तो सबसे कुकार और खतरनाक शेर है तो वो बब्बर शेर है। दोस्तों, अगर आपकी राय में अगर कौन सा शेर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।